ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग मन को एकाग्र करने के लिए तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे। संसार में जो चिंता और भय है उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारी अपनी सोच। कभी आपने रीड किया होगा, चेक किया होगा अपने आप को, पूरे दिन में हम अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इसलिए कहा गया है परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन आत्मोन्नत की सीढ़ी है। और सीढ़ी हमको कहाँ ले जाती है? ऊपर की तरफ ले जाती है। आज इस विद्यालय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये छोटे छोटे से टिप्स मिलते हैं कि हम कैसे सीढ़ी के द्वारा हम अपने आप को ऊंचाई के शिखर पर ले जाएं। आज हम चाहते तो हैं हमारा जीवन खुशहाल, थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने भगवान से पूछा, सभी लोग कहते हैं, भगवान ने कहा रिश्ता बना रखना बिल्कुल मेरे जैसे। सभी बच्चों के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई न कोई विशेषता तो है। फिर हम बाबा के बच्चे, सभी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लें कि मुझे अगर देखना है, चिंतन करना है, तो दूसरों की अच्छाइयों का चिंतन करना है। अगर हम ऐसा नियम बना लेंगे तो एक दिन हम भी क्या सभी अच्छे हो जाएंगे। हम अच्छे तो सब अच्छे। कितनी नजरिया बदल दो तो नजारे बदल जाएंगे।